Hello everyone, I am Somdaya. Once again I'm here with the new video. So I welcome you on the Rural Fight YouTube channel. So आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ negative imperative sentences. ये मत करो, वो मत करो, खाना मत खाओ, बाहर मत जाओ, ऐसे कुछ sentences हैं जो आप इस वीडियो में सीखेंगे. तो मैं आपको बता दूँ, पिछली वीडियो में हमने सीखा imperative sentences, जिसमें सिर्फ verb first यूज़ की थी हमने, कि यहाँ आओ, वहाँ जाओ. अब हम सीखेंगे यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो, सारे मत वाले sentences होंगे इसके अंदर, जिसमें हम मना करेंगे. तो ऐसे सेंटेंसेस आपके लिए लेकर आया हूँ. तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं. तो आज की हमारी एक्सरसाइज है नेगेटिव इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की. पिछली वीडियो में मैंने आपको कुछ सेंटेंसेस दिए थे होमवर्क के लिए, लेकिन किसी ने मुझे कमेंट नहीं किया. आई थिंक आपको सारे अच्छे से आ गए, या फिर हो सकता है कि आप इनके ऊपर काम नहीं कर रहे हो. चलिए एज यू विश. तो सबसे पहला सेंटेंस है बाहर मत देखो. तो मत वाले जितने सेंटेंसेज होंगे इसके अंदर हमें डोंट का यूज़ करना है. कोई भी किसी को भी किसी चीज़ से मना करना हो, ये मत करो, वो मत करो, तो पिछले वीडियो में हमने सीखा बाहर जाओ. बाहर जाने को बोलेंगे गो आउटसाइड, लेकिन अब कह रहे हैं बाहर मत जाओ. सो डोंट गो आउटसाइड. तो इससे आप सेंटेंसेज सीख लेते हैं. बाहर मत देखो, डोंट लुक आउटसाइड. सेकेंड सेंटेंस है शोर मत करो. शोर मत करो को कहेंगे डोंट मेक अ नॉइस. नेक्स्ट सेंटेंस है झूठ मत बोलो. झूठ बोलना को बोलते हैं टेल ए लाई, तो डोंट टेल ए लाई. बहाने मत बनाओ, डोंट मेक एक्सक्यूजेज, डोंट मेक एक्सक्यूजेज. यहाँ मत बैठो, तो यहाँ बैठने को बोलते हैं सिट हेयर, और यहाँ मत बैठो को बोलेंगे डोंट सिट हेयर. नेक्स्ट सेंटेंस है व्हाट्सएप मत चलाओ. तो व्हाट्सएप डोंट यूज़ व्हाट्सएप, डोंट यूज़ व्हाट्सएप. लेट मत उठना, डोंट गेट अप लेट, डोंट गेट अप लेट. गंदगी न फैलाएं, डोंट लिटर, डोंट लिटर. लिटर मीन्स होता है गंदा करना. आप बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन पे हर जगह लिखा रहता है डोंट लिटर, डोंट लिटर. तो गंदगी न फैलाएं. इधर उधर की बातें मत करो, तो डोंट बीट अबाउट द बश, डोंट बीट अबाउट द बश. नेक्स्ट है दोबारा मत कहना. कोई भी बात हो जो आपको बुरी लगे, या जिसे कहते हैं ना, ये वर्ड है ना, दोबारा मत कहना. दोबारा मत कहने के लिए डोंट अटर इट अगेन, ठीक है, डोंट अटर इट अगेन. वैसे सिंपल वे में हम कहते हैं डोंट से इट अगेन, लेकिन जब आप कोई भी चीज़, जैसे किसी ने गलत कह दी है, तो उसको कहते हैं बस दोबारा मत निकालना, तो उस सेंस में हम कहते हैं डोंट अटर इट अगेन. लेट्स हैव अ लुक एट द नेक्स्ट. सो नेक्स्ट है ज़्यादा गुस्सा मत हो. जब कोई गुस्सा हो गया उसको कह रहे हैं ज़्यादा गुस्सा मत हो. पिछली वीडियो में हमने सीखा कि गुस्सा मत हो या शांत हो जाओ को बोलते हैं काम डाउन, या फिर कीप क्वाइट. तो अब हम कह रहे हैं ज़्यादा गुस्सा मत हो, तो डोंट लूज़ योर टेम्पर, डोंट लूज़ योर टेम्पर. दूसरों की बुराई मत करो, डोंट स्पीक इल ऑफ अदर्स, डोंट स्पीक इल ऑफ अदर्स. भुखड़ की तरह मत खाओ. जैसे आप कहीं पार्टी में जाते हो, किसी रिलेटिव के घर जाते हो, तो बच्चे अक्सर क्या करते हैं कि खाने पे टूट पड़ते हैं, तो उस सेंस में हम कहते हैं डोंट ईट लाइक ए गटलर. गटलर मतलब होता है बिल्कुल गटलने वाला, मतलब बिल्कुल भूखा, जो बहुत तेज़ी से खाता हो, तो उसके लिए हम कहते हैं डोंट ईट लाइक ए गटलर. ऐसे लोगों के मुँह नहीं लगते, डोंट इंटरेक्ट विद सच पीपल, डोंट इंटरेक्ट विद सच पीपल. बाल के खाल मत निकालो. कई बार कुछ लोगों का क्या होता है कि वो बिल्कुल डीप अर्थ निकालने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछते हैं, तो कहते हैं यार बाल की खाल मत निकालो, डोंट स्प्लिट हेयर, डोंट स्प्लिट हेयर. मेरे सामने उसका नाम मत लो, मेरे सामने उसका नाम मत लो. तो इस सेंटेंस को कहेंगे डोंट मैंशन हिज नेम इन फ्रंट ऑफ मी, डोंट मैंशन हिज नेम इन फ्रंट ऑफ मी. बोतल को पूरी मत भरो, डोंट फिल द बोटल अप टू ब्रिम, डोंट फिल द बोटल अप टू ब्रिम. इतनी तेज़ धूप में बाहर मत जाओ, इतनी तेज़ धूप में बाहर मत जाओ. डोंट गो आउटसाइड इन स्कोर्चिंग हीट. स्कोर्चिंग का मीन्स होता है झुलसाने वाली, तो झुलसाने वाली हीट में बाहर मत जाओ. ठंडा पानी मत पियो, तो ठंडा पानी मत पियो, डोंट टेक चिल्ड वाटर, डोंट टेक चिल्ड वाटर. मेरा सिर मत खाओ, मेरा सिर मत खाओ. तो इसको हम कहेंगे डोंट बॉदर मी, डोंट बॉदर मी. झूठे बहाने मत बनाओ, डोंट मेक लेम एक्सक्यूजेज, ठीक है, डोंट मेक लेम एक्सक्यूजेज. और बहाने मत बनाओ को हम बोलते हैं डोंट मेक एक्सक्यूजेज, और झूठे बहाने को हम बोलेंगे लेम एक्सक्यूजेज. नंगे पैर मत घूमो, डोंट वेक, डोंट वॉक बेयर फुट या बेयर फुटेड, दोनों ही सही हैं, डोंट वॉक बेयर फुट या फिर डोंट वॉक बेयर फुटेड. अपने बैग को सोफे पर मत फेंको, डोंट फ्लिंग योर बैग ऑन द सोफ़ा. जैसे बच्चे क्या करते हैं स्कूल से आने के बाद अपना बैग इधर उधर फेंक देते हैं, तो उसके लिए इस सेंटेंस को यूज़ करते हैं डोंट फ्लिंग योर बैग ऑन द सोफ़ा.
मोमबत्ती मत बुझाओ, बुझाना के लिए हम यूज़ करते हैं ब्लो आउट, डोंट ब्लो आउट द कैंडल, डोंट ब्लो आउट द कैंडल। और पिछली वीडियो में हमने सीखा कि मोमबत्ती बुझाओ तो ब्लो आउट द कैंडल। लेट्स हैव अ लुक एट द नेक्स्ट, मोमबत्ती को फूंक मत मारो, डोंट स्नफ द कैंडल, स्नफ मतलब होता है फूंक मारना। बिस्तर पर पेशाब मत करना, डोंट पी द बेड, डोंट पी द बेड। कार से बाहर हाथ मत निकालो, डोंट पुट योर हैंड आउट ऑफ द कार, डोंट पुट योर हैंड आउट ऑफ द कार। पैर मत घसीटो, तो कई बच्चों की आदत होती है कि वो अपने पैर घसीट के चलते हैं, तो इन दैट सेंस वी कैन यूज़ डोंट विगल योर फिट, डोंट विगल योर फिट। बिस्तर पे खाना मत गिराना, बिस्तर पे खाना मत गिराना। सो डोंट स्पिल द फूड ऑन द बेड, डोंट स्पिल द फूड ऑन द बेड। बोतल को मुंह लगाकर पानी मत पीना, डोंट शिप वाटर डायरेक्टली फ्रॉम द बॉटल, डोंट शिप वाटर डायरेक्टली फ्रॉम द बॉटल। मुझ पर झुको मत, डोंट लीन ऑन मी, डोंट लीन ऑन मी। लेट्स हैव अ लुक एट द नेक्स्ट, मेरे बाल मत पकड़ो। कई बार ये सेंटेंस बच्चों को बोला जाता है, छोटे बच्चे होते हैं तो वो खेलते खेलते बाल पकड़ लेते हैं, तो उसको कहते हैं मेरे बाल मत पकड़ो, डोंट ग्रैब माई हेयर। ग्रैब मीन्स होता है पकड़ना, ठीक है, डोंट ग्रैब माई हेयर। किसी से कुछ मत पूछना, डोंट आस्क एनीथिंग फ्रॉम एनीबडी। ये सेंटेंस बेसिकली हम क्लास में यूज़ करते हैं, जब एग्ज़ाम्स चल रहे हों या यूनिट टेस्ट चल रहे हों, तो उसमें उस टाइम हम कहते हैं बच्चों किसी से कोई कुछ नहीं पूछेगा, सो डोंट आस्क एनीथिंग फ्रॉम एनीबडी। झूठा खाना मत छोड़ना, डोंट लीव द स्लोप फिनिश एवरी स्क्रैप, डोंट लीव द स्लोप फिनिश एवरी स्क्रैप। ये एक सेंटेंस है, 35 सेंटेंस है, इसकी हिंदी यहाँ पे लिखी हुई नहीं है, लेकिन आप नोट डाउन कर सकते हो। मुझे चने के पेड़ पर मत चढ़ाओ या चने के झाड़ पर मत चढ़ाओ, जैसे किसी की झूठी तारीफ करते हैं ना, तो उस सेंस में यूज़ करते हैं, डोंट प्रेज मी टू द स्काई, डोंट प्रेज मी टू द स्काई। जिस थाली में खाओ उसमें छेद मत करो, मतलब जिस दोस्त के साथ रह रहे हो उसके साथ गद्दारी मत करो। सो डोंट बाइट द हैंड्स दैट फीड यू, डोंट बाइट द हैंड्स दैट फीड यू। दूसरों के मामले में न पड़े, डोंट पॉक योर नोज इन अदर्स अफेयर, डोंट पॉक योर नोज इन अदर्स अफेयर। कुछ मत मांगना, डोंट आस्क फॉर एनीथिंग, डोंट आस्क फॉर एनीथिंग। लेट्स हैव अ लुक एट द नेक्स्ट, किसी की बुरे मत करना, किसी की बुराई मत करना, एक्चुअली ये सेंटेंस ये है, डोंट स्पीक इल ऑफ अदर्स, हम पहले भी पढ़ चुके हैं सेंटेंस को, डोंट स्पीक इल ऑफ अदर्स। ये नेक्स्ट सेंटेंस को देख लेते हैं, दूसरों पर कीचड़ मत उछालो, डोंट इंड्यूस अदर्स इन मड स्लिंगिंग, डोंट इंड्यूस अदर्स इन मड स्लिंगिंग। किसी की चुगली मत करो, डोंट बैक बाइट एनीवन, बैक बाइट मतलब होता है किसी के पीछे से चुगली करना। चलती मुसीबत मोल मत लो, डोंट गेट ऑन रनिंग बस, डोंट गेट ऑन ए रनिंग बस। यदि थोड़ा सा फास्ट हो रहा है तो आप इसको वीडियो को रोक रोक के भी देख सकते हैं, और मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेस एक वीडियो में कवर किए जाएं। बकवास मत करो, डोंट टॉक नॉनसेंस, डोंट टॉक नॉनसेंस। मुझे ज़रूर बताना, ज़रूर बताना के लिए कई बार सेंटेंस होता है तो हम अटक जाते हैं कि ज़रूर बताना को कैसे कहेंगे, टेल मी अर्जेंटली, टेल मी नेसेसरी, इस तरह से हम सेंटेंस को बनाने की कोशिश करते हैं। बट व्हाट इज़ द राइट सेंटेंस, डोंट फॉरगेट टू इन्फॉर्म मी, डोंट फॉरगेट टू इन्फॉर्म मी। खाली पेट दवाई मत लेना, डोंट टेक मेडिसिन ऑन एन एम्प्टी स्टमक, डोंट टेक मेडिसिन ऑन एन एम्प्टी स्टमक। काम से जी मत चुराओ, डोंट शर्क वर्क। ये बहुत ही अच्छा सेंटेंस है, हम बोल सकते हैं डोंट शर्क वर्क। बड़बड़ मत करो, डोंट मटर, डोंट मटर। पैर घसीट कर मत चलो, डोंट ड्रैग योर फीट, डोंट ड्रैग योर फीट। झूठ बोलने की आदत मत डालो, डोंट गेट इन टू द हैबिट ऑफ लाइंग, डोंट गेट इन टू द हैबिट ऑफ लाइंग। मुझे परेशान मत करो, डोंट ट्रबल मी, मुझे परेशान मत करो, डोंट ट्रबल मी। तो ये थे आज के लिए 50 सेंटेंसेज, जो कि नेगेटिव इम्पेरेटिव हैं, किसी को मना करना हो तो ऑलमोस्ट यही सेंटेंसेज बोल करके हम मना करते हैं, ठीक है। यदि इसके अलावा भी आपका कोई सेंटेंस है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, लेकिन अभी तक आप इतने अवेयर लग नहीं रहे हो कि किसी का कमेंट आ नहीं रहा है इस रिगार्डिंग। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक आप देखते रहें दारुरल फाइट, और बी हैप्पी, स्टे एट होम, थैंक यू, कीप वॉचिंग।